एक आम साधारण सी घटना होती, उस घटना के लिए भी 25-25, 50-50 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन जिस परिवार के सदस्यों ने अपने पूरे परिवार को खोया है, उस परिवार के लिए आप 2 लाख रुपए की घोषणा करते हो, इसके बड़े शर्म की ना कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय बाबू सिंह साहब बता विराजे हैं, भोपाल सिंह साहब विराजे हैं, पुखराज जी विराजे हैं, आदरणीय भाटी साहब अरविंद सिंह जी विराजे हैं, त्रिभुवन सिंह जी विराजे हैं, आदरणीय राणो साहब प्रताप सिंह जी विराजे हैं, माधु सिंह जी उदड़ साहब कल से यहाँ पर विराजे हैं, और उनके साथ में मेरे 36 कौम के भाई लोग आप यहाँ पर विराजे हैं। उस परिवार के लिए, उस पीड़ित के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, एक ऐसा गांव तो पूरा का पूरा गांव वीरान हो गया है। अब उस गांव के अंदर केवल एंड केवल चित्कार है, चिंगारी और केवल रोने की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ दिन पूर्व जिस गांव के अंदर हंसी खुशी खेलते हुए, गानों को बजते हुए ऐसा लगता था कि अब्दुल्ले की बारात रवाना होने वाली है, अचानक उसी परिस्थिति के अंदर विधि के विधान को तो देखो, अचानक एक ऐसा विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के अंदर पूरा परिवार खाक हो गया, पूरा परिवार राख हो गया। जिस परिवार के अंदर एक नहीं 28 अर्थियां जब एक परिवार से एक गांव से उठती है, तो बंधुओं देखो दिल के अंदर क्या दर्द होता है। और तो और जब आईसीयू के अंदर पीछे बची हुई जिंदगियों को जब हम देखते हैं, उस परिवार की उस अर्थियों को देखते हैं, तो पूरा का पूरा शरीर एकदम राख हो गया, काला चिट हो गया। क्या बचा उस परिवार के अंदर, जिस परिवार के लोगों ने अपने माता को, अपने पिता को, अपने भतीजी को, अपने बहन को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोसों को खोया है। इससे बड़ा दुख इंसानियत के नाते, मानवता के नाते कुछ हो नहीं सकता है। इस नाते राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र होने के नाते, उनका अपना क्षेत्र होने के नाते, उनका कर्तव्य बनता है, अपितु दायित्व बनता है। उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए आप हॉस्पिटल तो पधारे, लेकिन हॉस्पिटल पधारने के आपने उस दशा को देखा, जाना, समझा, और उसके बाद में आपने 1-1 लाख की घोषणा की। दुख तो तब होता है कि 1-1 लाख उस परिवार के सदस्यों को लेना नहीं चाहिए। एक आम साधारण सी घटना होती, उस घटना के लिए भी 25-25, 50-50 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन जिस परिवार के सदस्यों ने अपने पूरे परिवार को खोया है, उस परिवार के लिए आप 2 लाख रुपए की घोषणा करते हो, इसके बड़े शर्म की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं, अगर आप 2 लाख की घोषणा करना चाहते हो, तो सरकार से कहना चाहता हूं, 2 लाख की घोषणा अपने पास में रखिए। ये 36 कौम के भाई लोग, 36 कौम के लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार है सब, सिर्फ राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण प्रवासी राजस्थान, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे सूरत हो, चाहे बेंगलोर हो, जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, इस मानवता के नाते, इस इंसानियत के नाते, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ लोगों ने इस घटना को सुना है, उन्हें भीतर से जगजोर दिया है, और वो लोग अपना ग्रुप बनाकर, प्रत्येक समाज का ग्रुप बनाकर भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, मेरे 36 कौम के भाइयों से यही निवेदन है, एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, आप सब जहां कहीं भी हो, अपने कमरे के अंदर बैठे हो, तो वहां छोड़कर इस स्थान पर आइए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। और 36 कौम के लोगों से निवेदन करता हूं कि जन जन तक इस आवाज को पहुंचाइए, राजस्थान की सरकार तक भी आवाज पहुंचे और इस बात को भली भांति जाने और समझे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब पधारे हैं, पटेल समाज का जब धरना हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, लाखों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में वहां पर युवा शक्ति पधारी थी। 36 कौम के लोग इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पधारे हैं। आज 36 कौम के लोग यहाँ पर विराजे हैं, आदरणीय पुखराज जी विराजे हैं, आदरणीय हनुमान जी पहलीवाल ने संसद के अंदर इस बात को बड़ी मजबूती से रखा है, 25 सांसदों में एकमात्र सांसद ने इस बात को रखा है। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, मजबूती के साथ में आपने इस बात को रखा। तो मेरा तो केवल इतना ही कृपा निवेदन है कि इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, जितना हो सके आप सहयोग करिए, और जो सत्ता पक्ष में हैं और जो विपक्ष में भी है, जो अपनी अपनी बात को जहाँ तक कैसे पहुँचा सकते हैं सरकार तक, उस बात को पहुँचाएं। और सरकार से भी यही निवेदन करते हैं,
कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, इस दोगुनी ताकत के साथ में यहाँ पर युवा शक्ति इकट्ठा होगी और संपूर्ण भारतवर्ष के नहीं संपूर्ण राजस्थान के अंदर ऐसे आंदोलन होंगे, कलेक्ट्रेट पर स्तर पर ज्ञापन दिए जाएंगे, उसकी जिम्मेदार केवल एवं केवल राजस्थान की सरकार होगी। इसके लिए सरकार से भी निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार के साथ में न्याय करे, ऐसा मेरी राजस्थान की सरकार से हाथ जोड़कर, अभी तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, अगर हाथ जोड़कर नहीं माने तो और भी कोई तरीका अपनाना पड़े, उसमें भी हम सब पीछे नहीं हटेंगे, ऐसी मेरी सरकार से निवेदन है। और जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं वो भी इस बात को मजबूती के साथ आगे तक पहुँचाएं, ऐसा आप सभी से निवेदन है। धन्यवाद।